ऐसे ही आज हमारे साथ में है, यहाँ पर आए हैं जुनैद हुसैन खान, बॉलीवुड एक्टर, कितने ही सीरीज में काम कर चुके, वेब सीरीज में काम कर चुके और सीरियल्स में काम कर चुके हैं, हमारे साथ में है, हम इनसे बात करेंगे। जी सर, मुस्तफ़ाबाद, दिल्ली मुस्तफ़ाबाद में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इतना प्यार आपने जनता को दिया है जी, यहाँ की जनता के बारे में बताइए पहले, आपको यहाँ की जनता कैसी लगी? जनता यहाँ की बहुत ही खुले दिल की लगी, जैसा कि कहते हैं कि दिल्ली है दिल वालों की। जी जी, तो यहाँ की जनता जो है पूरे ही, मुझे लगता है कि लबालब है दिल से, और एकदम इन्होंने भरपूर स्वागत किया। और ये तालियां आप अपने आप के लिए मतलब बजाइए, क्योंकि आपने इतनी अच्छी तरीके से मुझको इनवाइट किया और अटेंड किया। जी। और बात करेंगे आपके जो दोस्त हैं, आपके जो फ्रेंड है, ये क्लोज फ्रेंड है ये, इनका यहाँ बच्चे बच्चे जानते हैं कि सरफराज भाई लवली वाले कैसे हैं, सब लोग जानते हैं, आप इस बारे में क्या कहेंगे? सरफराज भाई बहुत ही अच्छे दोस्त हैं मेरे, बहुत ही अच्छे मित्र हैं और बहुत ही अच्छे इंसान हैं। इंसान की पहचान देखिए उसके दिल से होती है, उसके व्यक्तित्व से होती है। तो सरफराज भाई जो है, इनका व्यक्तित्व बहुत ही प्यारा है, और लवली पब्लिक स्कूल, लवली मोबाइल सेंटर जो कि अपने आप में एक फेमस जगह है, और सरफराज भाई भी अपने आप में एक मतलब फेमस पर्सनैलिटी है, वो इसलिए हैं क्योंकि इनका दिल बहुत बड़ा है और खुश मिजाज है, और ये जानते हैं कि जब कोई दोस्त या कोई मेहमान आपके पास आता है तो उसकी खातिरदारी कैसे करनी है, उसको कैसे अटेंड करना है आपको। सरफराज भाई, आने वाले जो भी आपके प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू। दूसरी एक और क्या बात है सर, ये जो आपकी इनके दोस्त की शॉप लगी है, आपको कैसी लगी? बहुत बढ़िया लगी, बहुत मुझे लग रहा है कि यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है, क्योंकि जिस तरीके से लवली मोबाइल सेंटर, जिस तरीके से मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि यहाँ पे आप कह सकते हैं कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो अवेलेबल ना हो, तो कंप्लीट शॉप वही होती है जहाँ पे आपको सब कुछ मिले। सर, आपने काफ़ी से वेब सीरीज़ में काम किया है और सीरियल्स में काम किया है, कोई आने वाला आपका सीरियल हो कोई ऐसा? अभी अमेज़न प्राइम के लिए एक वर्दी नाम की सीरीज़ है जो बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगी, बस दुआएं रखिए आप सब कि वो सीरीज़ जो है अच्छे तरीके से मतलब अपने मुकाम तक पहुँचे। देखिए, मैं अपने व्यूवर से और यहाँ की जनता से यही कहना चाहूँगा कि सर को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, और इनको यानी एक हौसला अफजाई के लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक बार ताली बजाइए आप लोग। आप इनकी फैमिली से भी मिले, फैमिली कैसी लगी इनकी? बिल्कुल फैमिली, देखिए तो रॉयल फैमिली है, रॉयल फैमिली और मिलनसार हैं फैमिली, बल्कि के जितने भी फ्रेंड्स हैं यहाँ पे सरफराज भाई के, वो भी काफ़ी मिलनसार हैं। और ऐसा कम ही होता है कि जब कोई इंसान मतलब इस तरीके से तरक्की हासिल करता है तो दोस्त उसके साथ हों, लेकिन यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि सारे दोस्त, सारे रिश्तेदार सब सरफराज भाई के साथ हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये खुद कितने प्यारे इंसान होंगे जो सब इनका साथ दे रहे हैं। तो सरफराज भाई के लिए आप एक बार ज़ोरदार तालियां बजा दीजिए। सर, मैं लास्ट क्वेश्चन कहूँगा, कहते हैं कि जो एक अभिनेता होता है, एक एक्टर होता है, उसका कोई धर्म नहीं होता, क्योंकि उसका उसको किसी भी तरह का रोल मिल जाता है, आपको भी ऐसे मिला होगा, क्योंकि हिंदुस्तान की सभ्यता हमारी यही सिखाती है और गंगा जमुना की तहजीब हमें यही सिखाती है कि एक दूसरे के धर्मों का और भावनाओं का सम्मान किया जाए। जी, तो ये जो पब्लिक है, आपके सारे फ़ैन हैं, हर कम्युनिटी का एक फ़ैन है, हर रिलीजन का एक फ़ैन है, सब फ़ैन के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इनसे यही कहना चाहूँगा कि जैसा कि धर्म मज़हब तो हम लोग बनाते हैं, होता नहीं है, और फिल्म लाइन सबसे बड़ा उदाहरण है इस चीज़ का, कि जो ये सिखाता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक बराबर हैं, हम सब मिलके काम करते हैं। जब हम सेट पे जाते हैं तो हमें टेक्नीशियंस है ना, जितने एक्टर्स हैं सब अलग अलग धर्म से होते हैं, लेकिन कभी ऐसी बात नहीं होती कि हमारे बीच में कभी ऐसा लगे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कुछ हो रहा है, नहीं, तो आपस में हमेशा मिलके रहना चाहिए, यही सबसे बड़ा मतलब मैसेज है, इंसानियत से बड़ा कोई मज़हब नहीं। मैंने एक लाइन सुनी है और बचपन से सुनता आया हूँ कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, आप सब लोग सर के साथ मिल के गई है, सारे जहाँ से अच्छा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान। सर, आपके साथ में एक क्वेश्चन और करना चाहूँगा, आपके साथ में और कोई जो आपके फ्रेंड हैं या फिर आपके रिलेशन में हैं या फिर आप सिंगल हैं? ये समझ लीजिए कि मेरे फ्रेंड भी हैं, अजीज़ भी हैं, मेरे भाई भी हैं, और बहुत ही शानदार ऑर्गेनाइज़र हैं दिल्ली के, अच्छा, जाने माने ऑर्गेनाइज़र, यहाँ तक कि मुंबई में भी उन्होंने अपनी काफ़ी पकड़ बना रखी है, जिनका नाम है भाई रोहित जैन, बुलाना चाहेंगे? जी जी, रोहित जैन भाई के लिए एक बार जोरदार तालियां। इतने 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 स्टार्स को तो मैं भी नहीं इनसे मिला हूँ या जानता हूँ, क्योंकि हम तो काम करते हैं जब जानते हैं, लेकिन रोहित भाई मुंबई के मतलब ज़्यादातर फुल सपोर्ट है और ज़्यादातर स्टार्स को जानते हैं,
क्योंकि ये वो शख्स है जो इंसान की अहमियत को जानते हैं, इतने अच्छे अच्छे शोज़ करते हैं। अभी दिल्ली में इन्होंने एक शो किया था गुलशन ग्रोवर, अमीषा पटेल, और अभी इनके आने वाले एक शोज़ हैं, उसमें बहुत बड़े बड़े स्टार्स आने वाले हैं। तो रोहित भाई के लिए एक बार ज़ोरदार तालियां, क्योंकि यही वो शख्स हैं जो हम लोगों को मुकाम देते हैं। सब यहाँ के स्टाफ जो है इनका, सरफराज भाई का कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा मुझे, बहुत कूल और काम। भाई दिखा दीजिए जरा, बहुत कूल और काम स्टाफ है यहाँ का। जी सर, चलिए देखिए, आप लोग ऐसे वीडियो पे बने रहिए, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। अब हम रोहित भाई से मिलेंगे, ये कुछ कहना चाहेंगे। जी रोहित भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं जनता बनता जो आपकी न्यूज है उसका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ खड़ा करने के लिए उपस्थित किया। और सबसे बड़ा मैं आभार व्यक्त करता हूँ हमारे सरफराज जी का। सरफराज जी यमुना पार के बहुत फेमस पर्सन है। और सेकंडली, सरफराज जी ने मतलब अब से नहीं, मैं काफ़ी समय से, मतलब एक होते कि साल, मैं कहता हूँ कई सालों के हिसाब से पूरा यमुना पार क्षेत्र सरफराज जी को पूछता है, इनको मानता है। यहाँ के बच्चे से लेके बड़े तक बहुत अच्छे से, सिर्फ एक होता है ना सरफराज जी, लवली के सामने वाला बंदा बहुत छोटे से शब्दों में यूज़ करता है कि अच्छा लवली मोबाइल सेंटर, ओके। तो इन्होंने जो यहाँ पे छवि बना रखी है, जो गुडविल बना रखी है, और जिस हिसाब से इन्होंने यहाँ पे एक अपना फेम नेम बना रखा है, उन सभी में जो क्रेडिट है वो आप सभी का है। और मैं आप सभी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि देखिए, आप सभी ने हम सबका बहुत सम्मान किया क्लैप करके, मैं आप सभी के लिए क्लैप करता हूँ। और आप बहुत गुड पर्सन है, बहुत अच्छे पर्सन है, सभी का प्यार आप सभी का प्यार हमारे सरफराज भाई को मिलता रहा। और प्लस आप सभी ने, सरफराज भाई ने यहाँ का मैनेजमेंट इतना अच्छा कर रखा था कि यहाँ की रूपरेखा इतनी यूनिक बना रखी थी कि मतलब मुझे भी खुद को मतलब एक अच्छी वाइब आ रही थी कि वाह, एक सेलिब्रिटी का सम्मान क्या होता है, वहाँ पर रिस्पेक्ट चीज़ें क्या होती है। तो बहुत अच्छा, मतलब इनकी जैसे विचारधारा है, जितने अच्छे इनके मन के भाव है, बहुत गुड एंड वेल एंड गुड पर्सन है। तो भाई बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, बहुत बहुत अच्छा लगा भाई। मैं चाहता हूँ कि एक बार आप सरफराज भाई के लिए भी क्लैप करिए, बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जनता वनता को आप लोग ऐसे ही प्यार और सपोर्ट देते रहिए। जनता वनता ऐसे ही वीडियोस और ऐसे ही इंटरव्यू, इंस्पायर वीडियो और इंस्पायर इंटरव्यू आपको दिखाता रहेगा। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। लव यू ऑल।